सौरव जोशी। किसने सोचा था ये 11 अल्फाबेट वाले नाम का बंदा इतनी जल्दी 10 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर लेगा? सोचा नहीं था। और शायद यही बात है कि सौरव जोशी की इसी ग्रोथ को देखते हुए आजकल सारा हर कोई उस पे वीडियो बना रहा है। कोई सौरव जोशी को एक्सपोज कर रहा है, कोई सौरव जोशी के साथ कोलैब कर रहा है, कोई सौरव जोशी का नाम लेके मेरे जैसे क्लिक बेट कर रहा है, और कोई कोई तो व्यूज के लिए सौरव जोशी को कच्चा ही निकल रहा है, जैसे कि ये बंदी। इस तरीके के जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, वो सच में बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ये बंदी पानी की जगह ग्लिसरीन पीती है क्या बे? साला डायलॉग बोलने से पहले ही आंसू टपक जाते इसके। साला एक टाइम के लिए सौरव जोशी पीयूष को अपने वीडियोस में लेना छोड़ देगा, लेकिन ये बंदी सौरव जोशी को अपने वीडियोस में लेना कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसके चैनल के साथ सौरव जोशी का वो इंस्टाग्राम ट्रेंड वाला रिश्ता जो है, वो है ना वो कैन आई स्टे बिट लॉन्गर। साला पहले मुझे लग रहा था कि ये बंदी ऐसे वैसे इलॉजिकल वीडियोस बना के सिर्फ यूट्यूब को ही लूटना चाहती है, लेकिन साला अब पता चला कि ये बंदी तो गवर्नमेंट को भी लूटने का प्लान बना रही है बे। साला हैंडीकैप का सर्टिफिकेट पाने के लिए इसने खुद का हाथ ही कटवा लिया। डेफिनेटली यार, आप अपने बॉडी का एक पार्ट हमेशा के लिए जो है खो रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दर्दनाक तो होता ही है। और इसका ये हाथ कटने के पीछे किसका हाथ है, ये भी आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, सौरव जोशी का। आई लॉस्ट माई हैंड बिकॉज ऑफ सौरव जोशी। चमाइला, ये सौरव जोशी यूट्यूबर है या कसाई? अरे कसाई आंसू देना भाऊ, आपको क्या लेना देना? आपको कितनी बार बोला है कि इस बंदी के ऊपर वीडियोस बनाना छोड़ दो करके? अरे भाऊ, मैं सच में इस पे वीडियोस नहीं बनाने वाला था यार, लेकिन इसने है कि व्यूज के लालच में सौरव जोशी से अपना हाथ ही कटवा लिया, इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा यार। हाँ तो आज हाथ कटवाया है, कल पैर कटवाएगी, परसों गला कटवाएगी, नर्सों तो खुद ही खुद की बॉडी का पोस्टमार्टम करके वीडियो भी पेल देगी, तो क्या हर बार आप इस पे वीडियो बनाते ही रहोगे क्या? हाँ यार, ये बात भी सही है, लेकिन अब वीडियो बना ही दिया है तो आगे कंटिन्यू कर ही लेते हैं। हाँ तो दीदी शुरू हो जाओ, कैसे काटा सौरव जोशी ने आपका हाथ? करीब जो है शाम के 7 बज रहे थे। हाँ, उस टाइम शाम के 7 बज रहे थे, तो उस टाइम मेरा कुछ साउथ इंडियन खाने का मन हुआ। एक्चुअली मैं साउथ इंडियन खाना ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो उसमें ऑयल भी कम होता है, ऊपर से वो हेल्दी भी होता है। कोई सेंस है इस बात में? ऊपर से वो हेल्दी भी होता है। अबे ओ हेल्दी डोसे वाली, यहाँ क्या वो क्या मास्टर शेफ इंडिया चल रहा है क्या? मैंने हेल्दी डोसा खा के उत्तप्पा निकाला। अरे तुमने क्या खाया क्या निकाला, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड यार, सीधा सीधा मुद्दे पे आओ ना। ऐसे काटा था सौरव जोशी ने हाथ कि साउथ इंडियन खाते हैं, तो मैंने अपनी बहन को पूछा, मैंने कहा क्या तू चलेगी वहाँ पर मेरे साथ, मेरे को कुछ साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, तो हम डोसा लेकर आएंगे। जहाँ माय लव, फिर से डोसा? अबे कितना डोसा ढोसोगी बे, साला चैनल का नेम चेंज करके पायल जोन से बकासुर जोन ही रख दो ना। वहाँ पर गई उस दुकान पर, उस दुकान पे जाके मैंने एक डोसा खरीदा, मैंने उसको पैक करवाया। लगता है ये बंदी डोसे की आत्मकथा के ऊपर 1756 पेज की बुक ही छाप देगी। अरे डोसे के आगे भी तो बढ़ो ना, समोसा खाओ, कचौरी खाओ, बटाटा वड़ा खाओ, बटाटा वड़ा। अरे अब तो मुद्दे पे आओ, बताओ क्या हुआ था? आई मेट एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ वेरी, कह सकते बहुत भयानक एक्सीडेंट था वो, क्योंकि उसी की वजह से गाइस ये चीज हुई है जो आप लोग सामने देख रहे हैं। ओ माय माय जी, कटकट, कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। वेरी डेंजरस। बिचारी दीदी का हाथ ही कट गया, अब दीदी खाना कैसे खाएगी? अरे भाई खाने वाला नहीं, धोने वाला हाथ कटा है। अरे यार फिर तो और मुश्किलें बढ़ गई है कि नहीं दीदी? थोड़ी मुश्किल तो आएगी, धीरे धीरे आदत होती है, बट उससे पहले तो मुश्किल आएगी। वैसे दीदी ये हाथ कटवाने वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली मैं अब दोबारा शेयर नहीं करना चाहती। अरे नहीं 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 नहीं, दोबारा शेयर करना भी मत, नहीं तो साला फिर से डोसे की आत्मकथा सुननी पड़ेगी। आप यही से कंटिन्यू करो, बोलो आगे क्या हुआ था? आप कह सकते हैं कि एक तो होता है कटना, कि आपका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो आपको दर्द होता है, लेकिन एक चीज होता है आपका उखड़ जाना, है ना, आपका बॉडी पार्ट उखड़ गया, तो आप उसमें सोचिए कि आपको। हाँ ये सही है, जैसे ही आपको पता चले कि आप अपने वीडियो के माध्यम से कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, तो साला खुद का हाथ उखाड़ लो, बेस्ट सॉल्यूशन। भी यही बोलूंगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो ज्यादातर काम होता है वो लिखने का होता है, पढ़ने का होता है, तो उसके लिए देखिए मेरा राइट हैंड बिल्कुल सही है, और राइट हैंड से ही हम सारी चीजें करते हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा हुआ कि राइट हैंड नहीं कटा, नहीं तो साला दीदी के लिखने के वादे हो जाते। सही बात है। वैसे मेरी भी एक दोस्त का राइट हैंड कटते कटते बचा था। अरे भाई कैसे? अरे वो क्या है ना कि वो है एक मैकेनिकल इंजीनियर, तो ऐसे ही काम करते करते एक दिन उसका राइट हैंड मशीन में जाके कटने वाला था, लेकिन
वो बंदा बड़ा शातिर था, साला बचपन से ही दिमाग से तेज। उसने सोचा कि साला अगर मेरा राइट हैंड कट गया तो काम करने के तो वांदे हो जाएंगे, इसलिए उसने दिमाग लगाया। जैसे उसका राइट हैंड मशीन में जाने ही वाला था, उसने फटाक से अपना राइट हैंड निकाल दिया और लेफ्ट हैंड मशीन में घुसार दिया। कसम से गई तो बड़े मुश्किल से राइट हैंड बचाया उस बंदे ने अपना। बहुत खराब जोक था। देखो दीदी, तुम्हारा ये ऐसे अचानक से हाथ उखड़ गया उसके लिए तो हम भी भावुक है, लेकिन इसमें सौरव जोशी की क्या गलती है बे? और गाइस, ये जो एक्सीडेंट था मैंने आपको बताया, एक गाड़ी ने किया था, एक नॉर्मल कार होती है जो थोड़ी बड़ी थी वो साइज में, तो उसकी वजह से। जी हाँ दोस्तों, उस जो गाड़ी के ड्राइवर थे दोस्तों, वो सौरव जोशी थे। मैंने इसीलिए कही तो सौरव भाऊ, दोनों हाथों से ड्राइविंग किया करो, कोई एक्सपोज भी नहीं करेगा और किसी का हाथ भी नहीं कटेगा। सौरव जोशी थे, मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा, वो सौरव जोशी थे। जहाँ माइला, ये बंदी कभी नहीं सुधरने वाली, और सुधरेगी भी क्यों? आज साला एक हाथ काटा तो 8 लाख व्यूज मिल गए, कल एक पैर काटेगी तो 16 लाख व्यूज मिल जाएंगे। साला ऐसे करते करते व्यूज के चक्कर में एक दिन बॉडी के पूरे पार्ट्स काट देगी ये बंदी। बात तो सही है। खैर, ये तो नहीं सुधरने वाली, अपने को ही सुधरना पड़ेगा। तो अगर तो इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं अपने दोनों हाथ काट के भंगार में भेज दूंगा, 150 रुपया देगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।